नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नोएडा से खास न्यूज में पंचशील बिल्डर की तानाशाही के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। पंचशील बिल्डर पर 20 से 22 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए पंचशील से जुड़े सभी कॉन्ट्रेक्टर नोएडा के सेक्टर 63 में धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर उपस्थित कॉन्ट्रेक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि 10 से 12 दिन हो चुके हैं, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। डीएम आवास पर भी ज्ञापन दे दिया गया है। कॉन्ट्रेक्टर ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडागर्दी हावी है। धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के झंडे भी दिखाई दिए। मौजूदा कॉन्ट्रेक्टर्स ने बताया कि धरने में भारतीय किसान यूनियन भी उनका सहयोग कर रही है। संचालक इंदर नागर, विजय राघव, बलराज, प्रदीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर भी मौके पर उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत से ब्यूरो चीफ शिवपूजन शुक्ला के साथ नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं प्रदीप कुमार शर्मा आज आया हूँ नोएडा के सेक्टर 63 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ किसान यूनियन के झंडे लगे हैं, लेकिन मुद्दा किसानों का नहीं है। फिलहाल पंचशील बिल्डर के नाम से नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके द्वारा कई करोड़ों रुपये का एक घोटाला किया गया है। ठेकेदारों का कहना है कि कोई पेमेंट उनको नहीं की जा रही है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। आज के दौर में कहा जाए तो किसान यूनियन की सहायता भी बहुत ज़रूरी हो गई है। एक छोटा सा संदेश इन झंडों से ये है कि किसान यूनियन भी यहाँ पे उनके मुद्दों में सहयोग दे रही है, इस मुद्दे को आगे ले जाने में एक सहायता दे रही है। काफ़ी लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं, काफ़ी संगठन इस मुद्दे को लेकर जुड़े हुए हैं, और मैं बात करना चाहूँगा उन ठेकेदारों से कि क्या क्या इशू है, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ठेकेदार हैं जिन्होंने पंचशील बिल्डर को लेकर एक इशू खड़ा किया है कि वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सर, क्या इशू है? इशू ये जी, पंचशील बिल्डर है और इनकी साइड चली नोएडा एक्सटेंशन में, तो लेबर कॉन्ट्रेक्टर है, इनका पेमेंट नहीं किया जी। चार पाँच साल से कितना पेमेंट नहीं किया? 20-22 करोड़ रुपये। 20-22 करोड़। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके लिए आपने कोई ज्ञापन, कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है? नहीं, नहीं कराई। डीएम के पास अवगत कराया है। अच्छा, डीएम को आपने ज्ञापन दे चुके हैं? हाँ, डीएम को दे चुके हैं, नोएडा डीएम को, गाजियाबाद डीएम को दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, और कार्यवाही चल रही है, देखो समाधान हो जाएगी जल्दी। आपका नाम और कहाँ? प्रदीप शर्मा। कहाँ? क्या आप गाजियाबाद से? तो आप भी एज ए कॉन्ट्रेक्टर हैं? हाँ सर, हम ही सब भाई कॉन्ट्रेक्टर हैं। तो सभी की पेमेंट इस तक है? सबकी पेमेंट है। तो कब से ये धरना चल रहा है आपका? धरने को आज 12वां दिन है। 12वां दिन है, 12 दिन हो चुके हैं, प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है किसी प्रकार की। मैंने आपको दिखाया पीछे किसान यूनियन के कुछ झंडे लगे हैं, तो वो भी सहयोग दे रहे हैं धरने में? हाँ जी, वही सहयोग कर रहे हैं, पेमेंट दिलवाने के। अगर देखा जाए तो आज का समय ये हो गया है कि किसान यूनियन के बिना कोई काम हो नहीं पा रहा है, तो इसमें सरकार विफल दिख रही है? सरकार विफल क्या दिख रही है, इनका जो मालिक है पंचशील का, अशोक चौधरी, इनके भाई हैं अमित चौधरी, बीजेपी के वो हैं चेयरमैन नोएडा के, तो उसकी पावर में ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं। घुमा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अभी यहाँ पे संचालक कौन है? संचालक है विजय जी। विजय, और कौन कौन लोग हैं? और इंदर नागर जी हैं। इंदर नागर जी? हाँ जी। और हमारे किसान यूनियन के नेता बलराज भाटी जी, उन्होंने कल 8 दिन का टाइम दिया है, तो कल के 8 दिन। अच्छा, 8 दिन का टाइम दिया गया यार? यार तो सब टाइम पे ही टाइम लेते रहते हैं। आगे हम लोग को 12 दिन हो गए यहाँ पे, उससे पहले 2 धरना हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंगता है। खाली टाइम पे टाइम लेता है, फिर आगे एक हफ्ता से कम का टाइम लेते हैं। हम लोग सर्दी में यहाँ कैसे रह रहे हैं ये तो हम ही लोग जानते हैं। बारिश में, सर्दी में, बारिश में भी हम लोग यहाँ, जहाँ तक बाथरूम करने के लिए भी नहीं खोलता ये। यहाँ के ओनर से तो अत्याचार बहुत है, नहीं होता पानी छोड़ देते हैं। अशोक चौधरी जी, यहाँ चिप्याना गांव है जो पास में, लाल कुएं के पास में, वहाँ से। तो उनका आपकी बात हुई है वैसे उनसे? बस उनसे बात नहीं हुई है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात हुई है, जिसके तहत कि हमें ये 8 दिन का जो मोहलत जो है ये मिली हुई है। बस अब आगे देखते हैं क्या सीन है इसमें, बस यहाँ पे फंसे हुए हैं, बस यही समझ लीजिए। आप देख रहे हैं कोरोना काल का टाइम है, सर्दी का मौसम है, और एक रीजन है बहुत बड़ा, कोई रिकवरी, कोई प्रशासन से हेल्प नहीं है, सहयोग दिया जा रहा है किसान यूनियन के द्वारा, और चाहते हैं कि इस मुद्दे को भी जल्द से जल्द सरकार
सुलझा लें, चुनाव का समय है तो सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और मैं दिखाना चाहूँगा पीछे बैनर लगाया हुआ किस धरना किस रीज़न से धरना दिया गया है, लोग आ रहे हैं जुड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे प्रशासन के कुछ अधिकारी भी बैठे हुए हैं, कुछ कॉन्स्टेबल भी लगाए गए हैं धरने को लेकर। भाई बात करते हैं डोगरा जी, आप बात करते हैं, आप देख रहे हैं। और मैं और भी रीज़न जानना चाहूँगा यहाँ के जो कॉन्ट्रेक्टर हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कुछ सुनवाई हो रही है सर यहाँ पे? सुनवाई नहीं हो रही जी, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही। प्रशासन से नहीं सुन रहा है, प्रशासन ने सुना आज 15 दिनों के पड़े हुए हमें यहाँ पर। सर्दी का टाइम है, चुनाव का सर्दी का भी है, बारिश का भी है जी। कोई नेतागण कोई उपस्थित? नेतागण हमारे बल्ला भाटी जी हैं, वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। किसी अदर पार्टी से कोई सहयोग नहीं? और किसी से नहीं है। तो सर्दी का मौसम है, बारिश, चुनाव का टाइम है, तो कोई सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं आने? हाँ, अशोक चौधरी का जो भाई है अमित चौधरी, वो नोएडा का चेयरमैन है, वो अपनी हनक हाँ वो अपनी हनक दिखा रहा है, पेमेंट नहीं होना चाहिए और डराता भी है, धमकाता भी है। हाँ, सत्ता का गुरूर है उसे, ना बीजेपी की। आप देख सकते हैं एक बड़ा मुद्दा बिल्डर पंचशील बिल्डर के यहाँ से निकल कर आ रहा है, कॉन्ट्रेक्टर उसकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है और अभी केवल टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं। अगर कहा जाए क्योंकि केवल सुनवाई हो रही है और कोई मुद्दा साफ निकल के अभी नहीं आ रहा है। कैमरामैन दीपक यादव के साथ मैं संवाददाता।